Hello everyone, welcome to this session of Testbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. So बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी नेट या सेट की प्रिपरेशन करते हैं, एक बहुत कॉमन सा डाउट आता है कि कितने ईयर्स के PYQ करें सो दैट हम मैक्सिमम स्कोर कर पाए इन योर पेपर 1 और पेपर 2। यही एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि कितने ईयर्स के PYQ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव रिक्वेस्ट कि आप सारे स्टूडेंट, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अराउंड 8500 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, 8500 के आसपास, और यहाँ पर आप अपने डाउट्स रेज कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट PDF, और जल्दी ही मैं यहाँ पर क्विज भी स्टार्ट करने वाली हूँ पेपर 1 की। सारा अपडेट रिलेटेड विद नेट और सेट आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, तो सारे बच्चे इसको एक बार जरूर ज्वाइन कर ले। और हमारे जो फाउंडेशन कोर्स हैं वो भी शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपको पेपर 1 मिलेगा, पेपर 2 मिलेगा, PDF नोट्स, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बो। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट आता है, इसमें कुछ सब्जेक्ट आपके लाइव हैं, कुछ आपके रिकॉर्डेड भी हैं, ठीक है, अगर आपको किसी भी स्टेज पे कोई भी डाउट आता है, प्लीज कनेक्ट ऑन दिस नंबर या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक कि कितने ईयर्स के PYQ करें ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर हम दोनों एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, चाहे आप नेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप सेट की प्रिपरेशन करते हैं। अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट के अंदर आपके नेट के PYQ डायरेक्टली रिपीट करते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग यहाँ पे लास्ट 10 ईयर के PYQ, क्योंकि सेट के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ईजी आते हैं। अभी अगर आज मैंने नॉर्थ ईस्ट लेट का पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें 2011-12 के कुछ क्वेश्चंस भी रिपीट किए गए थे, तो वहां पर आप ये नहीं बोल सकते कि सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोगों को मतलब पिछले 2-3 साल के PYQ करने हैं। तो यहाँ पर उसी कंसर्न सेट, मान लिया नॉर्थ ईस्ट है तो उसके 3-4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महाराष्ट्र आप सेट करते तो उसके 3-4 साल के, प्लस UGC नेट के पिछले 7-8 साल के क्वेश्चन को आप जरूर करें, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है। अब बात आती है नेट की। नेट का सिलेबस, क्योंकि आपका 2018 के बाद जब आप 18 के बाद जब NTA ने लेना शुरू किया था, कुछ टॉपिक्स आपके एड ऑन किए था, वहां पर एग्जाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया था। पहले काफी इजी क्वेश्चंस आते थे, अब बहुत कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप 2020 ऑनवर्ड्स, मतलब पिछले 3 साल के सभी शिफ्ट के PYQ अगर कर लेते हैं, ये सिर्फ पेपर 1 की बात किया है, दैट इज फेयर एनफ। अब पेपर 1 के लिए तो पिछले 3 साल के एवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस आप कर लें, क्योंकि आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कितने कॉन्सेप्ट आपके रिपीटेडली पूछे गए हैं, इवन DI आपके सेम पैटर्न पे पूछे गए हैं, तो ये तो 3 साल का आपके लिए काफी है। और अगर पेपर 2 की मैं बात करूं, पेपर 2 के अंदर आप एटलीस्ट आप 7-8 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर करें पेपर 2 के लिए। और जिन जिन सब्जेक्ट में लाइक गेट कंडक्ट किया जाता है, जैसे CS है, कंप्यूटर साइंस है, उसमें गेट कंडक्ट किया जाता है, इकोनॉमिक्स में गेट एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, तो आप मॉडरेट लेवल के गेट क्वेश्चंस को भी रिवाइज यहां पर कर सकते हैं। मतलब आप अभी जैसे जून को अगर टारगेट करते हैं अपने नेट एग्जाम के लिए, तो मेक श्योर आपको मार्च के बाद हैविली फोकस, जितने ज्यादा PYQ आप लगा सकते हैं, PYQ के साथ कॉन्सेप्ट करेंगे, वो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है। तो ये इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपके होने चाहिए। और आई एम श्योर अगर आप ऐसे PYQ को करते हैं विद कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, भी PYQ करें, उसमें अगर कोई पॉइंटर नहीं आता, उसके चारों ऑप्शंस को आप क्लैरिफाई करें, तब आप लोग यहां पर अच्छे से PYQ को कवर करके अच्छा स्कोर यहां पर बना सकते हैं। आई होप ये चीज क्लियर है। पेपर 1 के आप लोगों को 2020 ऑनवर्ड्स करने हैं, सेट एग्जाम्स के लिए आप पिछले 7-8 ईयर्स के UGC नेट के कर सकते हैं, और सेट एग्जाम जो भी आप अपियर करने वाले उसके क्वेश्चंस, और पेपर 2 के लिए भी आप 7-8 ईयर के PYQ जरूर करें, और जो भी कंसर्न एग्जाम अगर कंडक्ट होता है, जैसे गेट CS के अंदर रिपीट करते हैं क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव। बाकी ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लाइक शेयर दिस वीडियो। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और आपको PYQ का ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो आपसे डिस्कस किया है, आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में भी जरूर दीजिएगा, राइट। और सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपकी हर क्लास अपडेट, आपको पेपर 1 पेपर 2 की क्लास अपडेट, नोटिफिकेशन, सारा कुछ अपडेट आपको मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।